हमेशा की तरह जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं नई नई रेमडियाँ लेकर आई हूँ, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए रेमडी लेकर आई हूँ व्यूवर्स, फुल बॉडी के लिए। ये आप पैक जो है फुल बॉडी पे लगा सकते हैं और आपकी स्किन जो है वो पॉलिश भी हो जाएगी और आपकी स्किन ग्लो करेगी। अगर आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं तो चंद ही दिनों के इस्तेमाल से इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेमडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक आप सबको हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी बस यहाँ हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ले लेनी है ग्रीन टी। कोई सी भी आप ग्रीन टी ले लीजिएगा और उसको आपने गर्म पानी के अंदर इस तरह जो है ना आपका ये जो टी पैक का वो होता है, इस तरह आपने इसको साशे को भिगो देना है थोड़े से पानी के अंदर। तो 5 से 10 मिनट के लिए आप भिगो के रख देंगे और यहाँ पे हम लेंगे खाली बाउल। और इस बाउल के अंदर मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लेना है सबसे पहले चावल का आटा। तो यहाँ पे हम चावल का आटा लेंगे 1 चम्मच। अगर आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं तो वो भी चले जाएंगे, स्किन के ऊपर बिल्कुल डलनेस हो गई है तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ हमने चावल का आटा ले लिया 1 चम्मच और ये है मेरे पास स्टार्च, आलू का स्टार्च होता है ना, तो ये मैंने घर में तैयार किया हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपसे ये रेमडी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आपने आधी चम्मच लेनी है आलू के स्टार्च की, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। और तीसरे नंबर पर हम यहाँ डालेंगे इसके अंदर एलोवेरा जेल। तो ये हम इसके अंदर एलोवेरा जेल डालेंगे बस 1 चम्मच एलोवेरा जेल शामिल कर दी। और यहाँ पे मैं इसके अंदर डालूंगी विटामिन ई के कैप्सूल, आप कोई से भी विटामिन ई के कैप्सूल ले सकते हैं और ये आपको पता है स्किन को बहुत ज़बरदस्त ग्लो देते हैं। और आपकी स्किन के ऊपर अगर दाग धब्बे हैं या झुर्रियाँ होती हैं तो आपकी स्किन की झुर्रियों को ये दूर करते हैं। अगर आपकी आंखों के नीचे हल्के होंगे आपकी आंखों के, तो यहाँ पे हमने ये 2 कैप्सूल इसमें विटामिन ई के डाल दिए, एक मैंने पहले डाला और एक और डाल दिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये जो मैंने यहाँ पे लिक्विड बना के रखा हुआ है ग्रीन टी का, इस ग्रीन टी के साथ हम इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे इस तरह करके, ठीक है। अच्छा, हमने ज़्यादा इसका थिक भी नहीं रखना और ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा भी नहीं रखना, ठीक है। यहाँ पर हम इसके अंदर ग्रीन टी डालेंगे, तकरीबन 1 पैकेट मैं इसके अंदर ग्रीन टी का डालूंगी। इससे क्या होगा, हमारी जो स्किन है ना उसके ऊपर अगर डेड स्किन है तो वो जब हम स्क्रबिंग करेंगे इसके साथ तो वो रिमूव हो जाएगी और नई स्किन जो है पिंक पिंक सी आपकी इंशाल्लाह इससे निकल आएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 साशे जो है इसके अंदर ग्रीन टी का डाल दिया और अब मैं इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इसका आपने ज़्यादा पतला या फिर ज़्यादा जो है ना थिक वाला पेस्ट नहीं रखना, क्योंकि हमने इस तरह रखना है कि हमारी स्किन पे आराम से ये बहुत अच्छा सा स्क्रबिंग भी हो जाए और फेस पैक भी बन जाए। तो यहाँ देखिए बस बहुत अच्छा सा हमारा फेस पैक बनकर रेडी हो गया, बॉडी फेस पैक है ये, आप बॉडी के ऊपर इसको लगा सकते हैं और चंद ही दिनों के इस्तेमाल से बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पर। तो हमने लगाना इसको कैसे है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह आपने ले लेना है और इस तरह लगा कर आपने इसकी अच्छी तरह स्क्रबिंग करनी है। यहाँ पर इस तरह स्क्रबिंग करते रहेंगे आप और इसको आप तकरीबन 10 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको उतारेंगे। तो जी बस यहाँ पे हमारे 30 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा ड्राई हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरह थोड़ा सा और मसाज करूँगी और मसाज करने के बाद आपने इस तरह इसको वॉश कर लेना है, ये देखें। और अब मैं आपको डिफरेंट जो है जितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आया वो आपको साफ नज़र आने वाला है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, मैं आपको अच्छी तरह इसको वॉश करके और आपके सामने जो है इसको मैं दिखाती हूँ। और मैं किचन वॉशरूम में इसलिए नहीं जाके वॉश करके आई कि कहीं आपको यह ना लगे कि आप ही ने शायद कुछ हाथों पे लगा लिया है और हमारे सामने बोल रही हैं कि भाई मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने तौलिए से साफ़ कर लेना हाथों को, ये देखें जनाब। और अब आप बताएंगे कि आपको रिज़ल्ट इसका नज़र आया कि नहीं आया। तो जी बस ये थी मेरी आज की रेमडी और उम्मीद करती हूँ ये रेमडी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेमडी पसंद आए व्यूअर्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को